एक्टर आशुतोष राणा और रेणुका साहा ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मोस्ट पॉपुलर कपल्स में से एक है। दोनों 2001 में शादी के बंधन में बंधे। कपल के दो बेटे शौर्यमन और सत्येंद्र है। एक बार अपने इंटरव्यू में अभिनेता ने अपनी लव स्टोरी के बारे में कुछ दिलचस्प डिटेल्स शेयर की थी। एक इंटरव्यू में बात करते हुए आशुतोष राणा ने अपनी लव स्टोरी के बारे में कर दी थी बात। उन्होंने शेयर किया कि उन्हें निर्देशक रवि राय से रेणुका साहाने का नंबर मिला था, जिन्होंने उन्हें उनके साथ बात करने के बारे में जानकारी भी दी थी। अभिनेता को ये भी सलाह दी गई थी कि वो 9 बजे के बाद रेणुका को फोन करे। आशुतोष के शब्दों में कहे जाए तो उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें रात 10 बजे फोन किया, वो भी उसके मोबाइल पर, और हमने 1.5 घंटे तक बात की। अगले दिन मैंने उन्हें रात 11 बजे फोन किया और हमने फिर से बात की। हम कभी नहीं मिले, लेकिन हम फोन पर दोस्त बन गए। हमारी दोस्ती बढ़ती गई। हम दिन में 3-4 बार बात करने लग गए। एक और बात, उन्हें कविता बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे कविता पसंद है। एक्टर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर मैं प्रपोज करूं और उनकी तरफ से कुछ ना हो तो मैं दोस्ती भी खो दूंगा, और मैं उन्हें अपने दोस्त के रूप में खोना नहीं चाहता था। पहली बार मैंने प्यार के बारे में कविता लिखी और उसे मैंने उन्हें सुनाया। उन्होंने कहा, सुनो राणा जी, मुझे लगता है कि मुझे आपसे प्यार हो गया है। मैंने कहा, ठीक है, आप आइए, हम बैठेंगे और बात करेंगे। हम शादी नहीं करना चाहते थे, हम दोस्त के रूप में कमिटेड रहना चाहते थे। मैंने सोचा था कि शादी के बाद मैं बदल जाऊंगा, लेकिन सौभाग्य से ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने इसके साथ एक पुराने इंटरव्यू में रेणुका ने खुलासा किया था कि उनकी करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों ने एक बार कहा था कि आशुतोष राणा के साथ उनकी शादी 1 महीने भी नहीं टिक पाएगी। सभी शादी से आशंकित थे क्योंकि आशुतोष राणा का पारिवारिक बैकग्राउंड बिल्कुल भी अलग था। जहां रेणुका महाराष्ट्र से थी, तो वही आशुतोष राणा मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाले थे। उनका परिवार भी बहुत बड़ा था। ऐसे में एक्ट्रेस ने कहा था, उनके परिवार वाले इस बात को लेकर चिंतित थे कि वो उनके संस्कृति को अपना पाएंगी या नहीं। चूंकि ये रेणुका साहाने की दूसरी शादी थी, इसलिए आशुतोष राणा से शादी करने से पहले उन्होंने बहुत सावधान रहना पड़ा था। रेणुका को लगता था कि उनकी दूसरी शादी एक जुआ है। उन्होंने खुलासा किया था कि उन्हें यकीन नहीं था कि ये शादी टिकेगी या नहीं। बता दें कि आशुतोष से पहले रेणुका की शादी विजय केनकरे से हुई थी। वो मराठी फिल्म इंडस्ट्री में एक मशहूर लेखक और निर्देशक थे। विजय और रेणुका का रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल सका। शादी के कुछ समय बाद ही उनका तलाक हो गया था। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि विजय नहीं चाहते थे कि रेणुका मराठी फिल्म इंडस्ट्री के अलावा कहीं और काम करे। कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि विजय के अहंकार के कारण दोनों के बीच कई बार बहस हुई थी। रेणुका साहाने ने 2001 में आशुतोष राणा से शादी की। दोनों अक्सर एक दूसरे की तारीफ करते नजर आती हैं। शादी के बाद रेणुका ने आशुतोष के परिवार के साथ सभी रीति रिवाजों और परंपराओं को उन्होंने अपनाया। उन्होंने अपनी पहली शादी से बहुत कुछ सीखा था, इसलिए उन्हें आशुतोष और उनके परिवार के साथ भी मिलने में बहुत कम समय लगा। हालांकि रेणुका और आशुतोष ने सभी अटकलों को गलत साबित कर दिया और ये जोड़ी 2 दशकों से अधिक समय से एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रही है। तो दोस्तों, इनकी लव स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।